पीछे को कर लो गाड़ी को चेंज। रास्ते में उसको खिलाते पिलाते ले जाना। चलो बाय बाय, मिलते हैं ठीक है। तो फिर आएगा, फिर कम आएगा। कब आ रहे हैं वो? लेने के लिए अच्छा ठीक है, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, बिजलू सो रखा है, ये देखो दिखाई नहीं दे रहा ना बिजलू, क्योंकि बिजलू ढक के अंदर सोया हुआ है, ढक लेकर के सो रहा है बिजलू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं सुबह के 8 और रेडी है हम लोगों का ब्रेकफास्ट बनकर। तो फ्रेंड्स, जीजा जी तो सुबह 6 बजे ही चले गए घर को, बिकॉज उनको तो काफी सारा काम होता है, इसीलिए वो मॉर्निंग में जल्दी निकल गए। और यहाँ पर है रुद्र और जय, ये लोग ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं अभी, इसीलिए मोबाइल पर लगे हुए हैं, दोनों के दोनों गेम खेल रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग करेंगे अपना ब्रेकफास्ट और बनाएंगे आगे का व्लॉग ब्रेकफास्ट के बाद। बिजलू भी मस्त होकर के सोया हुआ है ढक लेकर के। ये बिस्तर के अंदर से म्याऊं म्याऊं कौन कर रहा है? कहाँ से आएगा बाहर? आऊं, जगह नहीं मिल रहा, आऊं। फंस गया बिजलू, फंस गया था। अरे पता नहीं यार मौसी कैसा हुआ। सुबह हो गई बिजलू की, गुड मॉर्निंग एवरीवन बोल रहा है। डर रहा है वो मौसी से, बिजलू तो डर रहा है मौसी से, पहचाना नहीं तूने? बिजलू का हाथ ही ठीक नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, क्योंकि बिजलू भी उठ गया है, इसीलिए अब बिजलू करेगा अपना ब्रेकफास्ट, तो इसको दे दिया है नमकीन और दूध। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट करने के बाद से लग गए हैं सब अपने अपने काम पे, मम्मी लोग बाहर कर रहे हैं काम, जय और विराट ने भी ब्रेकफास्ट नहीं, विराट नहीं है, मैं बार बार इसको विराटी बोलती हूँ, रुद्र, जय और रुद्र भी यहाँ ब्रेकफास्ट करके लग गए हैं खेलने पे। इनका गेम दिखाऊं मैं, ये क्या खेल रहे हैं, ये देखो, ये हैप्पी डेंट से खेल रहे हैं। क्या है फिर? अच्छा, सो फ्रेंड्स, जय और रुद्र वहां पर खेल रहे हैं और दी लग गई है यहाँ पर अपने सामान अरेंज करने में, कपड़े कुपड़े निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, बिकॉज कल तो आने के साथ ही थक भी गए थे और टाइम भी नहीं मिला, तो अभी टाइम ही टाइम है, तो फिर अब से स्टार्ट हो जाएगा सबका अपना सामान यहाँ वहाँ सेट करना। अब सबके खजाने निकलेंगे बाहर। मौसी भी आ गए मुझे बाहर बुलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले देखते हैं कि छोटी दी मेरे लिए कुछ ला रखी, आखिर लाई क्या है, उसके बाद चलते हैं बाहर। वाओ, देखेंगे ये सब। अरे एक सेकंड, और ये मेरे लिए बेल्ट, वाओ, और ये टी शर्ट भी मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए तो इतने सारे ड्रेस आ गए हैं। सो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं सुबह का 10 और हम लोग भी आ चुके हैं घर के बाहर और स्टार्ट हो चुका है आज फिर से खेत का काम करना। और आज साथ में हैं दोनों मौसी, फिलहाल तो मौसी खा रहे हैं अमरूद, मौसी को अमरूद खाना काफी अच्छा लगता है। तो दोनों मौसी यहाँ पर बैठे हुए हैं और मम्मी ने तो स्टार्ट कर दिया है अपना काम करना। तो फ्रेंड्स, आज लेकर के आ गए हैं गोबर, जितने भी यहाँ पर ढेर दिख रही है ये सब गोबर की ढेर है और ये हम लोग डालेंगे खेत में पूरे अच्छे तरीके से। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर ये सब हमने रखे हुए हैं गोबर। मम्मी अब तक ये तीसरी बार खोद रहे हैं और मम्मी ने यहाँ पर ये बिल्कुल बाउंड्री जैसी बना दी है, बिकॉज हम लोग इसमें 3-4 प्रकार के सब्जियाँ लगाएंगे, इसीलिए अलग अलग करके लगाएंगे, इसीलिए बीच में बाउंड्री बना दी है।
और अभी मम्मी खेत इसीलिए खोद रहे हैं क्योंकि इसमें खोद करके हम लोग ये जो गोबर लेकर आ रखे हैं उसको पूरा मिक्स कर देंगे, बिकॉज गोबर खाद का काम करेगा। सो फ्रेंड्स, जय भी आ गया है अब बाहर। ये तो बिल्कुल तैयारी के साथ आया हुआ है, स्लीव्स वगैरह सब लगा करके, क्योंकि इसको बहुत जल्दी सनबर्न हो जाता है। तो अभी जय, तू खेलने वाला है या खेत में आने वाला है? जय सोच रहा है कि दादी की मदद करे जैसे उस दिन करा था। ये देखो यहाँ पर इतने लोग आ गए हैं। वाह, वो तो कुटाव लेकर के आ गई है। आप भी कर रहे हो? दादी बड़ा वाला फावड़ा गए। मैं किचन से ले आऊं दूसरा फावड़ा। नहीं लल्ला हो गया, नहीं लल्ला। मैं लाता हूं। जय लाए बिना नहीं मानेगा। जय माना नहीं और आई गया आखिरकार। ये देखो मम्मी की हेल्प करने वालों को, जिनको आता है वो यहाँ पर देख रहे हैं, जिनको नहीं आता है वो इस तरीके से लगे हैं। मौसी लोग देख रहे हैं कि ये बच्चे सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर गलत करेंगे वहाँ पर आएगा टीचर समझाने के लिए। तो फिर मैं यहाँ खोदने लग जाता हूँ। अच्छा फिर बोलेंगे पीछे से आगे को, नहीं पीछे से आगे। दादी मैं वहाँ मिक्स कर दूँ गोबर। सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट हो गए कमला मौसी भी। अब हुआ असल काम स्टार्ट। ये देखो हो चुका है खेत का काम कंप्लीट, और काम कंप्लीट करके मौसी लोग यहाँ पर बैठकर खा रहे हैं अमरूद। और बड़े मौसी तो अभी भी पेड़ पर अमरूद ही ढूंढ रहे हैं, और मम्मी और दी यहाँ पर हैं, सब अपनी अपनी जगह पर है काम कंप्लीट करके। और जय भी चला गया है काम करके अब वॉलीबॉल खेलने के लिए। और बिजलू को देखो कहाँ बैठा हुआ है बिजलू। ये देखो फ्रेंड्स, लुंगी बाबा आ गया। लुंगी डांस करके दिखा एक बार, इधर इधर। लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी बाबा लुंगी डांस करेगा। विराट क्या नहीं आ रही? ओए रुद्र। सो फ्रेंड्स, मौसी लेकर के आ रखे हैं पहाड़ से जड़ी बूटी एलर्जी के लिए, जो मेरे हाथ में इतनी ज्यादा एलर्जी हो रखी है उसके लिए। बिकॉज यहाँ तो सारे डॉक्टर वगैरह को दिखाया बट ठीक नहीं हो रहा है, तो अब हम लोग करेंगे जड़ी बूटी का यूज, आयुर्वेदिक नुस्खा अपनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब जड़ी बूटी वगैरह दे रखे हैं, तो इसको हम लोग सरसों के तेल में मिक्स कर देंगे। आधा से ज्यादा ऐसा होता है ना, जो पहाड़ों में ऐसी दवाएं देते हैं वो दवाई का नाम नहीं बताते हैं, क्योंकि वो दवाई नहीं फलती है, इसलिए दवाइयों का नाम गुप्त रख देते हैं वो ऐसे जड़ी बूटियों को, और खाली बता देते हैं कि ऐसे करके लगाना तेल में कोई चीज में ऐसे करके वो लगाना है। सो फ्रेंड्स, ये जड़ी बूटी बना करके रेडी है, और अब इसको हम लोगों ने यूज करना है रात के टाइम पर, बिकॉज इसको हाथों पे लगाने के बाद हाथ में पानी वगैरह नहीं लगाना है और किसी भी चीज को टच नहीं करना है, इसीलिए रात को सोते टाइम पर हम ये वाली जड़ी बूटी का यूज करेंगे। फिर देखेंगे कितना असर पड़ता है हाथ में, ठीक होता है या क्या होता है। वैसे तो मोस्टली पहाड़ में सब लोग इसी का यूज कर रहे हैं और सब ठीक भी हो रहे हैं, तो अब मैं भी इसका यूज करूंगी आज रात से। चुप रहो। बिजलू आ गया, आजा ले बिजलू। ये है हमारा बिजलू यहाँ पर, अंदर आ नहीं रहा जो। सो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं सुबह के 11, और मम्मी और मौसी हो चुके हैं रेडी रामनगर जाने के लिए, बिकॉज रामनगर मार्केट से लाना है
सब्जी फ्रूट्स वगैरह, तो मम्मी लोग जाएंगे रामनगर और लेकर के आएंगे सब्जी वगैरह। मम्मी भाई की घड़ी भी ले जानी है सेल डलाने के लिए। तो फ्रेंड्स आ गए मम्मी और मौसी बाहर और मम्मी को मिल गया यहाँ पर बिजलू। बिजलू चारपाई के नीचे जा कर के सो रहा है। सो फ्रेंड्स मौसी ने इतने गर्म में पहन रखा है स्वेटर, मौसी को गर्म नहीं लग रहा? जबकि आप लोगों के वहाँ ठंडा है तो आपको वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ तो और गर्म लगना चाहिए। अरे मैं आदत पड़ी ना। अच्छा तो फ्रेंड्स मौसी को तो आदत पड़ गई है स्वेटर पहने रहने की, इसीलिए मौसी को गर्म नहीं हो रहा है और अभी भी मौसी ने स्वेटर ही पहन रखा है। तो मम्मी के साथ जा रहे हैं मौसी। अभी उठा के ले चलती। सो फ्रेंड्स मम्मी कर रहे हैं तैयारी रायता बनाने की और मार्केट से मौसी ला रखे हैं पर्स, जिसके पीछे मम्मी और बड़े मौसी लड़ रहे हैं कि मुझे दे दो मुझे दे दो। अभी देखेंगे फाइनली किसको मिलता है ये पर्स। क्योंकि इस पर्स में बहुत सारे काम करते हैं बाबू ने छे हुए हूँ। मौसी किसको दे रहे हो फिर? किसी को नहीं। तो डिसाइड हो गया ये बैग मौसी के पास ही रहेगा, मौसी किसी को नहीं देंगे। मेरे को देगी। सो फ्रेंड्स इस समय बज रहे हैं 2:00 PM और रेडी है हम लोगों का दोपहर का लंच। तो फ्रेंड्स आज मम्मी ने बना रखा है रायता। तो फ्रेंड्स मौसी लोग लेकर के आ रखे थे बाहर से ककड़ी, तो उसकी बना रखी है मम्मी ने रायता और साथ ही साथ बना रखा है बैंगन की सब्जी, जो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। मेरा फेवरेट है बट मैं नहीं खा सकती। क्यों? एक तो एलर्जी में नहीं खाते बैंगन, दूसरा हम लोग वैसे नहीं खाएंगे। रुद्र भी नहीं आ रहा है लंच करने के लिए, रुद्र रो रहा है बिकॉज रुद्र के दांत में हो रहा है दर्द और बिजलू भी सो रखा है बाहर। आज बिजलू भी सोने के लिए अंदर नहीं आ रखा है और दी के सर में हो चुका है बहुत ज्यादा दर्द, इसीलिए बांध लिया है दी ने अपना सर। तो फ्रेंड्स फिलहाल हम लोग करेंगे अपना लंच। ये हमारा बिजलू क्यों यहाँ कर रहा है? आज बिजलू ने कुछ नहीं खा रखा है, बस सिर्फ नमकीन खा रखा है। क्या हो रहा है बिजलू? आज बिजलू की तबीयत भी खराब है ना बिजलू। सो फ्रेंड्स इस समय बजने वाले हैं 6:30 और मैं भी आ चुकी हूँ बाहर से अंदर और देखो बिजलू को ये कैसे सो रखा है। आज बिजलू की भी तबीयत थोड़ी खराब हो रखी है, ये सुबह से बाहर सो रहा था उसके बाद अभी थोड़ा देर पहले ही अंदर आया और आज ये कुछ भी नहीं खा पी रहा है, बस थोड़ी सी नमकीन खा रखी है इसने। ये भी टाइम टू टाइम ऐसे ही बीमार पड़ जाता है। सो फ्रेंड्स इस समय बजने वाले हैं 9:00 और हम लोगों का डिनर बन करके हो चुका है रेडी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग करेंगे अपना डिनर और आज दीनी कर रही है डिनर बिकॉज उनकी तबीयत हो चुकी है काफी खराब, उनको काफी सर दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, तो वो तो नहीं करेंगे अभी डिनर। तो इसीलिए अभी हम लोग करेंगे अपना डिनर और मैं करूंगी अपना आज का ब्लॉग है प्री क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज 7:30 PM आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। सो फ्रेंड्स हम लोगों का बिजलू भी आ गया है साथ में डिनर करने के लिए, ये अभी आज घर पर ही है।